हेलो एवरीवन, आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बच्चों के टॉपिक को लेकर कुछ चर्चा ये करी थी कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया था। आशा है कि आपको और हमको दोनों को इस टॉपिक पे सक्सेस मिली होगी और हमारे बच्चे खुश, हमारी फैमिली खुश, उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल रहा होगा। अब देखिए, मेन टॉपिक आता है कि जब हमको अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा है तो हमें क्या करना चाहिए। हम क्या होता है कि चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, हम छोटी छोटी सी बातों पर इरीटेट होते रहते हैं क्योंकि हम अपने बड़ों से कुछ कह नहीं पाते हैं, हस्बैंड से कुछ कह नहीं पाते हैं। सोचते हैं, अरे सुबह के निकले, रात को आ रहे हैं, उनसे क्या कहें। ये सारी गुस्सा हम अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं। अब खुद आप न्याय करिए, क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है। अगर हम बच्चे स्कूल जाएं, बच्चों ने आते थे पूछना, मम्मा क्या बनाए, जो बनाया खा लेना, ये है वो है, इस तरीके के उनको हम जवाब देते, तो सोचिए बच्चे भी तो हमारे सुबह से अलग रहे हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें अपने गुस्से के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा कमरे में है और उसने हमसे कुछ पूछ लिया, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम कहेंगे, बेटा अभी हम आ रहे हैं, अभी आपसे बात करते हैं, जब तक आप ये वाला काम कर लीजिए। उनको इन्वॉल्व कर दीजिए प्यार की भाषा में बोल करके। माँ तो बहुत ज़्यादा ही, पेरेंट्स का मतलब ही है पेशेंस। अगर हमने अपने अंदर पेशेंस नहीं रखा तो हमारा पेरेंट कहना ही बेकार है। तो इस शब्द को प्लीज़ आप इधर से उधर ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम ये देखते हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहला टिप मैं आपको दे रही हूँ, जब गुस्सा आए तो आप बाथरूम में चले जाइए, मुँह हाथ धोइए, फ्रेश होइए, अपने बालों को कंघा कॉम करिए और बाहर आकर के कुछ गाने गुनगुनाने लगिए। गाने नहीं गुनगुनाने का मन है तो कोई चीज़, वो पल अच्छा सोचने लगिए जिस पल में आप बहुत खुश थी। ना है तो आप सबसे पहले वो पल जिस बच्चे के ऊपर आप गुस्सा होकर आई हैं उसके लिए सोचिए कि जब आप उस बच्चे ने आपको पहली बार माँ शब्द बोला था तो आपको कितनी खुशी हुई थी। उस पल को जब आप याद कर लेंगे तो आपको बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, समय जाते देर नहीं होती है। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो कॉलेज में आता है, तो कॉलेज के बाद वो सर्विस में चला जाता है, तब फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं, तब उसकी सारी बातों को याद करते हैं कि देखो हमने बच्चे को किस तरीके से हर्ट किया, दूसरों की गुस्सा हो है हमने उस पर उतारी है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर बच्चे को कोई खाना पसंद नहीं आ रहा, उसने कहा मम्मी आपने ये क्या बना दिया, वो कर दिया, तो आप उसको प्यार से कहे, बेटा अभी आ रहे हैं, अभी सुनते हैं आपकी बात, ये नहीं, नहीं तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो चले जाओ यहाँ से। अब क्या है कि आजकल का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो हमारे बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि हमने अपने ऊपर ही सेल्फ कंट्रोल नहीं करा हुआ है। चैटिंग में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चों को उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, उन्हें सेटिस्फाई हम कब कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चे ठीक है गुस्से में पैर धड़धड़ाते हुए, थाली को इधर पटकते हुए कमरे को जा करके बंद कर देते हैं। अब जब कमरे को जाके बंद कर लिया, हम उनको नोक कर रहे हैं, बेटा खोलो, बेटा खोलो, हमारा बीपी हाई होता जा रहा है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, तो हम इस तरीके के माहौल को क्रिएट खुद ही तो कर रहे हैं ना। बच्चे ने तो हमसे बिल्कुल सिंपल जवाब पूछा लेकिन हमने उसको टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे दिया। कहीं कहीं तो ये तक देखने को आता है कि बच्चे से अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, टीनेजर है, या थोड़ा सा और भी समझदार बच्चा हो गया, आजकल तो 8-8, 9-9 साल के बच्चों में इतनी गुस्सा भरी हुई है कि अगर आपने उनसे कुछ कह दिया, आजकल मोबाइल सब बच्चों के पास है, निकल गए घर से, निकल जाने के बाद स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद फिर आप तड़फ रहे हैं, हाय हमने ऐसा क्यों कह दिया। तो बाद में पछतावा करने से क्या फ़ायदा है, हम अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम 10 तरीके से सोच रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं सोच रहे, औरों के लिए सोच रहे हैं, अरे आज मेरी सास ने मुझे ऐसा किया, अब तो मैं शाम को आ जाइए इनसे ऐसी शिकायत करूंगी, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, उस ये नहीं सोच रहे कि हम मम्मी जी के पास जाएं और हम बात करें कि भाई मम्मी जी हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, आप प्लीज़ हमें उस गलती को बताइए, आगे से वो गलती नहीं होगी। हम उनके पास तो नहीं जाते हैं लेकिन हाँ वो शिकायत का दौर सोचने लगते हैं और अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुँह से कोई बात निकली है तो हमसे बच्चे आके सॉरी बोले। क्यों, ऐसा क्यों, पहले हर फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करना है, तभी तो बच्चों को लगेगा हाँ मम्मी ने दादी से ऐसा, मम्मी और दादी के बीच में ऐसी बात हुई, मम्मी ने उनको सॉरी बोला। तो बच्चे इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं और ज़रूर ध्यान देते हैं। आप ये मत सोचिए कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो खाने में लगे हैं, वो पढ़ाई में लगे हैं। बच्चों के कान आजकल बहुत तेज़ हैं, उन दिमाग भी बच्चों का बहुत तेज़ है, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल का माहौल आपको पता है कि कितना ख़राब है, वो चले गए इस घर से, निकल के चले गए, मोबाइल है, मोबाइल के उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, अब आप परेशान होते रहिए, इस दोस्त को फ़ोन करें, इस दोस्त को फ़ोन करें, क्या फ़ायदा होता है बताइए आप। तो इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर गुस्से पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना
एक मम्मी का एक लेडी का काम होता है। पापा तो इतना दिन में नहीं रहते हैं, पापा बच्चों के इतने नज़दीक नहीं रहते हैं जितना मम्मियाँ रहती हैं, चाहे वो वर्किंग हो या वो हाउसवाइफ हो। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को बहुत प्यार से रखिए, बाद में पछतावा ही पछतावा रह जाता है, इससे कुछ भी नहीं होता। जो आप ये सोच रहे हैं ना कि हमारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, सारे अरमान पल भर में मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखिए, उनकी हर बातों को समझिए। अरे बच्चे ऐसा नहीं है जो उल्टी सीधी बातें ही करते रहें, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बहुत समझदार हो रहे हैं, बस उनको सही ट्रैक की आवश्यकता है। और सही ट्रैक जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मेरी अपनी एक उम्मीद है, एक मदर से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता है। अगर मदर चाहती है तो वो उसका बच्चा अच्छा बन सकता है, और अगर मदर उनको इग्नोर कर रही है, पल पल पर गुस्सा कर रही हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों को ध्यान नहीं दे रही हैं, तो आप समझ लीजिए मैं अब कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बहुत ज़्यादा ही कुछ मैंने आज कह दिया है, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ। हम लोगों को सुपर मॉम की उपाधि चाहिए, ना कि गंदी माँ की उपाधि चाहिए कि हमसे कोई ये कहे अरे उनकी मम्मी ने तो संस्कार ही नहीं दिए, उनके घर में तो हमेशा युद्ध ही होता रहता है। उनके घर में दैट मीन्स मम्मी के ऊपर बात आ रही है, बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, अच्छी अच्छी आर्टिकल्स पढ़िए, अच्छे लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। ऐसे लोगों से बात करना छोड़ दीजिए जो आपको आपके घर के प्रति भड़काएं, और कुछ अपने घर के जो टिप्स हैं या घर की जो अंदरूनी बातें हैं वो कभी भी बाहर वालों से शेयर मत करिए। और अपने बच्चों की तो कभी भी कोई गलती बताइए नहीं, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट या आजकल का जो बाहर का माहौल है ना, वो क्या करते हैं कि मीठी मीठी बातें बोल के आपके घर की बातों को पता कर लेते हैं, फिर अगर आपकी उनसे लड़ाई हो गई या कुछ हो गया बाई चांस मिसअंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग हो गई, तो वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच्चों को पता लग जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर आपके लिए डिसओबे और डिसरिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है, बच्चों के संग प्यार से रहना है, माँ तो हमेशा बच्चों के संग प्यार से रहेगी, लेकिन फिर क्या होता है, माँ बच्चों के बीच की जो दूरियाँ हैं ना, डिस्टेंस है, वो बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए यही है कि पहले हम अपने बच्चों के साथ साथ अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें, उनसे हमें कैसे बोलना है, उनके संग हमें कैसा बिहेव करना है, फिर हम बच्चों को देखें। हम ये तो चाहते हैं कि हमसे बच्चे अच्छा बिहेव करें, अच्छा बोलें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपने बड़ों के संग क्या देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। आजकल तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा आपने क्या उनसे ऐसा नहीं कहा था, बिल्कुल तुरंत कहते हैं, क्योंकि इसके भी मेरे पास कमेंट बॉक्स में और पेरेंट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बात तो बहुत करने के लिए है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, इससे मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों का सहित धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाए, और जिन्होंने नहीं किया हो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब जो वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, और जिसमें बच्चों की स्टडी के लिए कि बच्चों को पेंसिल कैसे पकड़ना है, उनको आगे की स्टडी के लिए हम लोग तैयार करेंगे। लॉकडाउन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।